سيد زينب وصلي على محمد درود پڑھیں بابا جی आवाज सही करो इसकी आगे आ जाओ यार पीछे वाले पीछे बैठ जाएंगे अब चूंकि बंद माहौल है आगे आ जाओ आप मेहरबानी सामने आ जाओ पीछे भी आने वाले जो हैं वो आसानी से बैठ जाएंगे दुआ है इज्जत वाले दरबार में जितने आए हो हुसैन की करीम माँ किसी को खाली दामन न जाने दे मालिक वास्ता है तुझे पर्दा अहदियत में रहने वाले सैयदा के आखिरी बेटे का जितने अजादारों के हाथ बुलंद होते हैं इनमें से कोई खाली दामन वापस न जाए दुआओं की रातें हैं मन्नतों की रातें हैं यकीनन हर कोई इसी उम्मीद पे आता है कि हुसैन हर किसी की झोली भर के भेजते हैं हमारी दुआ है अजादारों का अजीम इज्तमा है मालिक हर उठे हुए हाथ पे रिस्क रखे दरूद पढ़ लें बाबा से गुलाम बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी तबीयत है कि थोड़ा सा तफसीलन एक बयान हो जाए छः मुहर्रम है आज आप जियो सलामत रहो और यकीनन हर आज़ादार मुकद्दर रखता है चूँकि आपकी बड़ी कीमत है यार इसको उसको टाइट कर दो बता दो बता दो कैमरे यहाँ से ठीक है बेटा शुक्रिया बड़ी मेहरबानी चार मिसरों पे दिल है यार पढ़ने का बड़ी दाद आज हुई है इन पे और आप मेरे सामने नमाजी चेहरे हैं विलाय अली से मोहब्बत करने वालों का हजूम है मेरा दिल है आपको भी सुना दूँ तशाहुद के पुजारी हैं विला से बच के चलते हैं शायद मैं समझा ही नहीं सका तशाहुद के पुजारी हैं विला से बच के चलते हैं बड़े मकरूह नमाजी हैं खुदा से बच के चलते हैं बड़े मकरूह नमाजी हैं खुदा से बच के चलते हैं और अली के दुश्मनों की इस जमाने में अलामत है वफादारी दिखाते हैं वफा से बच के चलते हैं सलामत रहो हुसैन की महाराजी रखे जितने कदम चल के आए हो तुम में से कोई खाली दामन वापस ना जाए चूंकि नबी का जानशीन अली को हमने नहीं बनाया तवज्जो है आपकी अच्छा जगह बदलने से मिजाज नहीं बदलना जैसे दाद देते हो वैसे सुनना अभी बहुत सारी नई बातें करनी है और मैं आप राजी हूँ मेरे वारिस यकीनन रात के इस पहर सफ़र करके आते हो यकीनन हुसैन की माँ आपकी हजात को महसूस करती है ये तो नहीं हो सकता बड़ी बात है आज अगर आपका जी हो एक औरत ने अपने शौहर से कहा तवज्जो है चलो चार मिसरे पढ़ता हूँ कि बदन बगैर जो सबका बयान सुनता है बदन बगैर
झोली फैला लेना, बदन बगैर जो सबका बयान सुनता है, अली तरीन जहां भी हो ना, कम से कम देखना कि हजरतारों के हाथ कैसे फिजा में अली से रेस देते हैं। बदन बगैर जो सबका बयान सुनता है वो अपने नूर से अपना कुरान सुनता है। जो हाथ अल्लाह करे नीचे रहा वो शिया का ना हो। बदन बगैर अली तरीन जरा चेहरों पे कैमरा भी मारना, और वो जो गदीर वाले अली को सलाम करने वाले हाथ है ना वो भी लेके आना। बदन बगैर जो सबका बयान सुनता है वो अपने नूर से अपना कुरान सुनता है। ओ अली बगैर मुअज्जिन को अजर कैसे मिले, अली के कान से अल्लाह अजान सुनता है। सलामत रहो हुसैन की महाराज की। ये मियार है अली वालों का। और देखें कोई अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला बेनमाजी नहीं होता, लेकिन हमें नमाज पढ़नी चाहिए अली का हुक्म। भाई नमाज पढ़ेंगे तो तशाहुद में अली वलीउल्लाह का मजा लेंगे ना, तवज्जो है ना आपकी। चूंकि ये अमर इलाही है। अब देखें अली ने रुकू में अंगूठी दी, उसने पहली बार कहा है कोई मुझे अल्लाह की राह पे कुछ देने वाला, तो अली रुकू की हालत में कयाम में थे, रुकू में आ गए। उसने तीन बार कहा, तीसरी बार के बाद कहा बारे इला मैं तेरे घर से खाली जा रहा हूं। बस उसका कहना था या रकू की हालत से अली ने अपना हाथ बढ़ाया। ओए ओए जमाना अमल उस वक्त सर उठाना, जमाना अमल उस वक्त करता है कि जब आयत उतरती है आयत अली के अमल का इंतजार करती रहती है। सलामत हुसैन की आयत इंतजार करती कि अली अमल करे। अंगूठी दी आयत आ गई, हालांकि बड़ों बड़ों ने अंगूठियां बांटी बाद में। मैं नहीं कह रहा, तारीख कह रही है। अली के फैसले बंदों की समझ में ना आ सके, याद रखिए अली के जो फैसले हैं ना, मैं एक फैसला ना सुनाऊं अली का आपको आज। बड़ा हैरान कौन है, एक औरत ने ना अपने शौहर से कहा कि मेरा आज कबाब खाने को जी है। बात बड़ी लुत्फ वाली, बाहर वाले भी सुन लेना यार। असल भाई उसने कहा मेरा कबाब खाने को, यानी कि उसकी जच्चगी वाली हालत थी। तो शौहर से फरमाइश कर दी कि मेरा कबाब खाने को जी है। उसने कहा अब मैं कहाँ से ला के दूँ, मेरी हालात की गुंजाइश नहीं देती। इतनी देर में उसके घर के अंदर एक गाय आ गई। बोलना यार मेहरबानी करना, क्योंकि मैं बड़ा इत्माद करता हूँ, नई नई बातें आपको सुनाता हूँ। वहाँ पे एक तरतीब है, वहाँ पे इशारों से लोग चल रहे हैं, आप जरा थोड़े जीरक हैं। महंगी बात आपको सुनाता हूँ पीछे वाले की, और दुआ किया करो मालिक कुल मुल्क कारवाने अल्लाह अब्बास को मजीद इज्जतों से रिज्क से नवाज। ये टीम अली तरीन अशर भाई ये जितने हैं लाइव आपको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, ये वायरस सुनी जा रही है, मालिक इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बीवी ने कहा इस गाय को ज़िबा कर और मुझे कबाब बना के दे। उसने कहा इसके मालिक को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगा। उसने गाय को बाहर निकाला, दरवाजा बंद किया। थोड़ी देर के बाद उस गाय ने फिर दरवाजे की कुंडी खोल ली और अंदर आ गई। यार मेहरबानी करना यार, नाराज हो जाएगी आपको। इस सेशन मुहर्रम में मिंबर पे खड़ा हूँ, ये पहली बार ही यहाँ पढ़ रहा हूँ, अभी आपकी मोहब्बत है। बीवी उसकी बोली, उसने कहा फिर आ गई है, हो ना हो ये हमारे नसीब में है।
मुझे कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। छत पे एक औरत देख रही थी, उसने फिर गाय को निकाल दिया। तो जो है भाई जन आपकी, आप मुझे देखिए, अगर जिसे नींद नहीं आई वो हाथ खड़ा करे। बाहर वालों को आई है, चलो बाहर वालों को आई है, उनकी भी उड़ जाएगी। तवज्जो है, उसने फिर गाय को बाहर निकाला, दरवाजा बंद किया। तीसरी बार गाय फिर आ गई। अब बीवी ने कहा मैं नहीं जाने दूंगी, ये हमारे मुकद्दर में है। शौहर था, आखिर मान गया, जैसे आप सब मानते हो, मानना पड़ी। उसने जिबा की बात कबाब बनाए, वो बात हक में वक्त के पास चले गई। अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लो हुकूमत दूसरी थी। तवज्जो है आपकी, इशारा समझना। उस औरत ने बता दिया कि तेरी गाय फलां घर में हाय हो गई है। वो दरबार में सीधा पहुंचा, हाकमे वक्त ने खलीफा ने बुला लिया। तवज्जो है। अब चूंकि उसकी गाय थी, उसने कहा भी तूने इसकी गाय क्यों सी बाकी। उसने कहा जी मेरी बीवी ने कहा था, मेरी बीवी ने कहा था कि मुझे कबाब चाहिए, मैंने सिबा कर दी, जुर्म में तू भी शरीक। तवज्जो। उधर हाकिम वक्त ने पूछा, हाँ भाई तुम्हारे ख्याल से क्या सजा हो। तवज्जो। उसने कहा जी आप खलीफा फैसला कर दें। अभी फैसला होने ही लगा था कि अल्लाह की अदालत का सबसे बड़ा जज अली, जो इशारा समझ गए, अली बादशाह ने दरबार में कदम रखा। बादशाह फरमाता है रुक जा, रुक गए। अब ये तो नहीं हो गए, रुक गए। उन्होंने कहा अली आ गए, इनसे बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। उधर गाय का मालिक खड़ा, इधर सिबा करने वाला। बात समझना, उन्होंने कहा या अली आप फैसला करें। तवज्जो। अली बादशाह ने कहा जो गाय का मालिक है इसका सर कलम कर दो। या अली अब तो आपको दाद देनी चाहिए थी यार, नतीजा सुन के दोगे। चलो नतीजा सुन लो, अब किसकी जरूरत, अली के फैसले में सर कट गया। जल्लाद ने तलवार चला दी, सर कट के वहीं पर रख दिया। तवज्जो। उधर अली ने कहा जाओ गाय का सर उठा लाओ, वो भी रख दिया। याली ये क्या गाय भी इसकी सर भी इसका, तवज्जो है, गाय भी इसकी सर भी इसका, कट गया। अली फरमाते उसकी एक वजह है कि जिसने इसकी गाय ज़िबा की है ना, जो अब मालिक है जिसका सर कट गया था, इसके बाप ने इसके बाप को कत्ल करके उससे ये गाय छीन ली थी। समझाना यार, मेहरबानी करना। तो उसके बाप के कत्ल के अफजाने में इसका सर गया, चूंकि ये गाय का मालिक है। उन्होंने कही आईली ये इस माजरे का हमें तो नहीं पता, हम कैसे माने। उस वक्त अली ने कहा मान जाओ तो बेहतर है, वरना कहो तो इसका कटा हुआ सर बोले। हाय हाय, ये खुद बताए, अभी अली का कहने ही था उसके लब हिले। उन्होंने कहा या अली तेरा शुक्रिया, झोली फैलाना यार, जो मातमी है जिसे आवाज समझ आ रही है। उन्होंने कहा या अली इको का
काम करना है। या इली तेरा शुक्रिया, दरबार में हलचल। उन्होंने कहा या इली सर्विस का कटा जोली फलाना, ये शुक्रिया भी आपका अदा कर रहा है। बादशाह फरमाते किस बात का शुक्रिया? उसने कहा मौला आपने मुझे यही सजा दे दी, आगे मैं जहन्नम से बच गया। सलामत रहो, सजा मुझे यहां मिल गई जहन्नम से। इसे कहते हैं अली। देखिए अली के कुछ ऐसे बातें हैं, इसी वजह से कोई भी जब अली दरबार में आते तो किसी की जरूरत नहीं होती थी जब रोके। अब जैसे के मशहूर तरीन बात के हाशमियों में से एक शख्सियत नबी के बाद जो नबी का विरसा था, ये दिल पे लिखना बात, मिन्नत करने लगा, ये बड़ी महंगी बात है और ये हो सकता है कोई ना बताए, भाई को जगाना इसको, ये सामने सो रहा है, हाँ जागो मेहरबानी, माफ़ी चाहता हूँ, इससे नींद आई है तो जा सकते हो, यहाँ सोना हराम होगा। मैं नहीं छठे बादशाह फरमाते हमारे जिक्र में सोना हराम है, उसकी वजह जुमे का खुतबा सुने कभी? खुतबे से पहले मौलवी साहब कहते हैं अगर किसी को नींद आ रही हो तो उठ के चला जाए, और जब जुमे के खुतबे में बंदा नहीं सो सकता तो जुमे को इज्जत देने वाले के जिक्र में कैसे सो सकता? घर वाले भी बता देना। और जुमे की भी बात करूं, हाँ रसूल मिंबर पे थे, किसी बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह दिन तो सारे ही अल्लाह ने बनाए, फिर ये जुमे की इज्जत ज्यादा क्यों? ये बात भी आपके सुनने वाली है। मैं कोशिश करता हूँ अशरे में कोई ना कोई पैगाम छोड़ जाओ, हाँ ताकि बात करने को मिल जाए कि जुमे की इज्जत क्यों ज़्यादा है। उन्होंने कहा यार सुनो जुमे की इज्जत क्यों? आप झूम के अली का नाम ले रहे हो। रसूल फरमाते जुमे की इज्जत इसलिए है कि इसकी शब को मेरे बेटे हुसैन की आमद लग गई थी। तो जो है आप, मैं आज बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। हाँ मुझे चूँकि उस दिन मैंने एक बात कही थी, किसी अज़ादार ने कहा था कि थोड़ा सा मौला हसन सुनाए, तो मैं बस ज़मीन बना रहा था। अब जो काम अली ने किए बेटा आप बैठ जाएंगे, अच्छा बच्चे को लेकर जाए बिस्मिल्लाह, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, उनकी बड़ी इज्जत होती है। बाहर वाले भी तैयार हैं? तवज्जो है, आपके ऊपर पंखा लग गया, आपके ऊपर पंखा है, तवज्जो है, और फ्रेश मैं नजर आ रहा हूँ, विहारी से सफर है, तीन मुकामात की ड्यूटी देकर चौथी पे आता हूँ, फिर भी आपके साथ बात आपसे ज्यादा करता हूँ, आप भी बोला करें। शनि के हसन जब उतरे, तवज्जो है, बात ना कर दो पूरी, अगर आप मुतमिन है, नबी खड़े थे चौक में, तवज्जो है, तो किसी बेगैरत ने मेरे नबी को ताना दिया कि माजल्ला है मोहम्मद तुम अबतर हो, अबतर उसे कहते जिसकी औलाद ना हो, तुम्हारा तो कोई बेटा ही नहीं। तो नबी ने बर्दाश्त किया, फिर दूसरा बोला, उसने कहा मोहम्मद तुम वो चिराग हो जिसके नीचे अंधेरा है, तुम्हारे बाद तुम्हारे दीन का क्या होगा, तुम्हारे बाद तुम्हारे दीन का क्या होगा, तवज्जो, तुम्हारा बेटा ही कोई नहीं, तुम्हारे बाद तुम्हारे दीन का भी कुछ नहीं होगा। अब चूंकि ताना ही ऐसा था, वो हवा ने ताना उठाया, सैयदा की चौखट पे रखा, क्या बात है, हैं? ताने, अब बीबी ने देखा कि मेरे बाबे को ताने लग रहे हैं, इत्तफाक से रात भी 14-15 रमजान की दरमियानी शब थी, जल्दी फैलाओगे ना, और यकीन नौकर के हक में दुआ करोगे। बस नबी की बेटी मुसल्ले पे आई, आसमान को देखा,
देख के फरमाती अब दाग ये अब्तर का मिटाना ही पड़ेगा, अब दाग ये अब्तर का मिटाना ही पड़ेगा, फिर पर्दा इबादत को हटाना ही पड़ेगा, फिर पर्दा पड़ेगा। बीबी फरमाती ताने मेरे बाबा के चढ़े आते हैं सर पर, अब हसन को लगता है बुलाना ही पड़ेगा। चलो एक बात करूं, पीछे वाले भी तवज्जो रखना। हसन आए, बड़ी बात है, मेंबर पे खड़ा हूं, भाइयों ने भी लिखा है। अब जब तक रहोगे ना मेरे हक में दुआ करो, ये तोहफे ही दे के जा रहे हो भैया शरीफ में। हजरत बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन है, चुप क्यों हो गए? वो उनके पास एक दो औरतें हैं, तवज्जो रखना यार। उन्होंने कहा बीबी हमने सुना है नबी की बेटी की बड़ी इज्जत, खुद भी मुसल्ले पे थी, बेटा भी मुसल्ले पे उधर आया। या इलिया इलिया कीदा बोलता यार, बंदा नहीं बोलता, बाहर वाले भी बड़ी इज्जत, खुद भी मुसल्ले पे, बेटा भी मुसल्ले पे, ना रोजे को फर्क, गोली खिलाना यार। बीबी आयशा कहती ये कौन सा फजाइल है जो काबे में उतर आए मुसल्ले पे आ जाना, कौन सी बड़ी बात है? तवज्जो, जो काबे में उतर आए मुसल्ले पे आना। एक मैंने वाकया पढ़ना है, दिल थाम के बैठना, कमजोर अकीदे वाले हो सकता सोच में पड़ जाएं, लेकिन उस बंदे की कोई जिंदगी नहीं होती जो सोचता है अली रोटी देता कैसे है। आया बेटा बैठ जाओ ना, आप मेहरबानी है आपकी। बार वाले भी थोड़ा थोड़ा हाथ उठा के बताना, नौकर पे राजी हो, जैन की माँ राजी रखे आप। उन्होंने कहा बीबी इससे बड़ा फजाइल भी है। हजरत बीबी आयशा कहती हाँ इससे भी बड़ा फजाइल है मेरे पास, अब तू पता नहीं कैसे सुनता है, मैंने वादा कर लिया तो मैं तेरे हवाले करने लगा। बीबी कहती नमाज होती थी दो रकात, मैंने नबी को नमाज पढ़ते देखा, नमाज होती थी दो रकात, लेकिन जब हसन आए ना तो मैंने नबी को नमाज पढ़ते देखा, नबी ने पढ़ी तीन रकात। कोई तो खरीदार है ना, इत्माद कर रहा हूं, अल्लाह करे किसी को तो समझ आएगी ना मैंने कितनी कोहे दूर से बसनी बात आपके हवाले करनी। और तेरा मुफ्त में भी हाथ ना उठे और रिस्क के लिए ना उठे तो फिर फायदा क्या आने का। उनका मैंने नबी को तीन रकात नमाज पढ़ते जब देखा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह नमाज दो रकात थी, आज आपने तीन पढ़ी। रसूल फरमाते नमाज दो रकात ही थी, बस अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब आज से एक रकात नमाज हसन का शुक्रिया अदा कर। और क्या बात है, हसन का शुक्रिया। फिर वक्त गुजरा, जब तक हुसैन ना आए नमाज तीन रकात। अच्छा जो मगरब की तीन पढ़ते हो, कभी पूछा ये हसन की वजह से? फिर हुसैन आए नमाज हो गई चार रकात, फिर अल्लाह ने कहा हुसैन का शुक्रिया। मैं अगर परेशान ना हो जाओ तो एक नतीजा दे दूं, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी की बात है, और जिस अली के बच्चों की वजह से अल्लाह की नमाज की रकातें बढ़ जाए, तेरी उस अली के बगैर ही नमाज हो जाती है। सलामत रहो, हुसैन की महाराजी रखे। अच्छा वक्त बदल गया, अब हसन हसन है, तवज्जो रखना। हसन
हसन है। उधर यजीद के बाप ने यजीद की बैयत के लिए पैसे खर्चने शुरू किए, तो जो है वो मदीने में आया बैयत लेने के लिए। बात बड़ी है यार, उसने पैगाम हसन मुस्तफा को भी भेज दिया। अब उसने ऐलान किया कि मदीने वाले जो मेरे बेटे यजीद की बैयत करेगा उसे इतना माल दूंगा जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। लोगों का रश, हसन मुस्तफा सबसे आखिर में आए। इसने कहा अली के बेटे तू सबसे आखिर में इसलिए आया कि मेरा माल खत्म हो जाएगा, लेकिन जितना मैंने मदीने को देना है उतना तुम अकेले हसन को दूंगा, क्योंकि मैं हिंद का बेटा हूं। उसने माल दिया, इतनी देर में एक हजूम में एक बंदे ने हसन को देखा, वो कतारे चीरते हुए सामने आया, सर से दस्तार उतारी, हसन मौला की जूती को साफ किया, मौला ने सारा माल उसे दिया और देख के कहा मैंने तेरा दिया हुआ अपनी जूती साफ करने वाले को इसलिए दिया कि मैं फातिमा का बेटा हूं। मैं फातिमा का बेटा हूं, तवज्जो है। वाकया तो आपके सुने हुए हैं लेकिन जाविया बदलने लगा। अब चूंकि मौला अमीर कायनात की शान में मस्जिदों में गुस्ताखी होती थी, हाँ हसन मुस्तफा इसलिए शाम गए, कोई सुलह नहीं थी, ये गलत बयानी की जाती है। मौला जब शाम गए, तवज्जो, अब वहां पे ना एक बड़ा ही सियाना बंदा उम्रवास, उसने कहा मैंने ना अली के इस बेटे को कभी तकरीर करते नहीं सुना, तो लिहाजा तो दरबार का रश बढ़ा, जब अली का बेटा आएगा ना रश की वजह से वो बोल ही नहीं सकेगा, तो हम कहेंगे कि ये आले रसूल है जिन्हें गुफ्तगू करनी नहीं आती। उसने कहा ये कैसे मुमकिन है? उसने कहा भरा हो दरबार और कोई हसन की ताजीम के लिए खड़ा ना हो। तवज्जो, प्रोग्राम बन गया। उधर मौला शाम पहुंचे, उधर अली के बेटे ने जैसे ही दरबार में कदम रखा सबसे पहले हाक में शाम खड़ा हो गया, रोबे इमामत से कुर्सी छूट गई, खड़ा हो गया और अपने साथियों को बोलने लग गया कि मैंने तो कहा था कि कोई खड़ा ना हो। उसने कहा सरकार सबसे पहले तो आप खड़े हो गए हैं। सुनाई ना, इधर देखा ना उधर, अब कांप के वो गुस्से में आया, उम्रवास से कहा कि पहला प्रोग्राम तो सारा फेल हो गया, अब लगता है तू मरवाएगा मुझे। अब हसन आया तो लोग तो चाहेंगे ये बोले। उसने कहा तो फिक्र ना कर, मैं जानता इसको मैंने कभी इस तरह तकरीरें करते खुतबे देके नहीं सुना। हसन को मिंबर मिला, हसन बादशाह ने पूरे मजमे को देखा, बादशाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हसन बिन अली चाहूं तो शाम को इराक कर दूं। इराक को शाम कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। वो एक जो सिखा के खड़ा किया था चर्ब जुबान, वो खड़ा हो गया। ओली के बेटे जो हो नहीं सकता वो कहते क्यों? बस उसका कहना था, हसन मुस्तफा ने देखा, फरमाते तुझे मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई? दावे जी दस्तार चादर बन गई, लिबास तब्दील, सर से पैरों तक खदोखाल तब्दील,
दरबार की आंखें फट गई, ये खड़े खड़े दाढ़ी में झड़ गई, पैरों में गिर गई, एक अप्सरा बन गई, अब छुपने लगी। तवज्जो रखना, मैं मिन्नत करने लगा हूं जितने पीछे बैठे हो, छुपने लगी और छुपते हुए भागने लगी। हसन फरमाते रुक, तेरे घर बैठे शौहर को, तेरे घर बैठी बीवी को मैंने तेरा शौहर बना दिया है। मैं किताब का हवाला देता, अब कहोगे तो मैं किताब दिखाता। अल्दमा तो साकिमा फरमाते तेरी घर बैठी बीवी को मैंने तेरा शौहर बना दिया। दरबार की आंखें फट गई, ये अली का बेटा कर क्या रहा, उसे औरत कर दिया, औरत को मर्द कर दिया। फिर चुकी बादशाह फरमाते रुक, अगला पैगाम भी दे, 6 महीने के बाद तुम दोनों के दरमियान एक बच्चा पैदा होगा जो ना मर्द होगा ना औरत होगी, वो शाम की गलियों में नाच नाच के बताएगा जमाने वालों आले मोहम्मद से लड़ने का सिला ये होता है। सारे अली हक, 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 सलामत रहो। हुसैन की मां राजी रखे, आले मोहम्मद से झगड़ने का सिला ये होता है। अब ये कह के हसन चले गए, बड़ी लुत्फ की बात है। उसने कहा बेड़ा गर्क करके रख दिया तूने, हैं? उसने कहा कल जो बंदा लाऊंगा ना उसकी बड़ी जुबान है। उसने कहा ध्यान से ये ना हो सारे फौजी औरतें बन जाए। और यानी इत्माद कर, कल फिर हसन को बुला। ये अगला चैप्टर है, थक तो नहीं गया हुआ, ये फजाइल सुन लिया, लुत्फ आ रहा है कि वक्त जा रहा है। जीते रहो, आबाद शाद रहो, कल फिर बुलाना। दावत हो गई, हसन फिर आ गए। तवज्जो, अब हसन बादशाह मिंबर पे बैठे थे, वो चरब जुबान खड़ा हो गया। उसने कोई ऐसा लफ्ज बोला मैं कहना नहीं चाहता। बादशाह फरमाते हो कुत्ते आप चुप, वो बन गया, मौला की कसम वो बन गया। अच्छा ये सिर्फ हसन ने नहीं बनाया, यहाँ पे ये काम अलग है। उससे पहले सफीन के मैदान में ना 3 बंदे घोड़े पे बैठ के आ रहे थे और कह रहे थे या अली अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा। अली फरमाते हो कुत्तों, वो सीन पे कुत्ते बन गए थे। सारी फौज परेशान हो गई, आए तो बंदे थे, अब घोड़े पे कुत्ता बैठा हो, सोचो कैसा लग रहा। हसन ने कहा ओ कुत्ते, वो कुत्ता बन गया। सारे परेशान, वो चक्कर खा रहा है, कभी उधर कभी कुछ जूती मारता है, नफरत। अब वो भागा हसबे आदत घर की तरफ, घर का दरवाजा खुला था, बिस्तर पे हसबे आदत जाके बैठ गया। बीवी आई, उसने मार के भगाया, बाहर बंदे थे, उसने कहा जिसे मार रही है ना तेरा शौहर है। उसने कहा है, उसे देख के कहती तू मेरा शौहर है, कहीं हसन को ठोक कर तो नहीं आ गया। सलामत रहो, आबाद शाद रहो, सिवाय अगर मैं हुसैन की कोई गम ना मिले। जितने हाथ उठते हैं दुआ है इमाम ज़माना इन पे रिज़्क़ कसीर रखें। पहला जख्म है बतूल को हसन की शक्ल है। दो मिनट पढ़ के मैं लंगर कर रहा हूँ। पहला जख्म है
पहला इम्तिहान है अब्बास का। हजरत कुमार सलामत रहे यार, अपनी आंखों पे नाज किया, जिन आंखों में मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहब्बत के आंसू आ जाते हैं ना, बड़ी मुकद्दर वाली आंखें होती, कब्र में अंधी नहीं होती, इन आंखों की बड़ी कीमत है। हजरत जब हसन को जहर मिला ना, हजरत कुमार क्या बात है यार, तुम्हारा तो मिजाज बना है कि दो लफ्ज कहो, जो बाथरूम की तैयारी कर बैठे, दीवारें थाम कर हसन खान आया, बीवियों में फरमा ने दरवाजा खोला, या सारी अबा लहू से भरी हुई थी। अजरों को एक बिस्तर दिया, या हसन बादशाह ने कहा एक दस्त दिया, अब जो दस्त का आना था शीर दिल दुखी तो माफ करना, तुम्हारे सीने में गोश्त का टुकड़ा होता है, रवायत ही ऐसी है, बस हसन के जिगर के टुकड़े कट कट के उस दस्त में आ रहे थे। अजरक मिला उस वक्त शहजादा कासम की 3.5 साल उम्र थी। अजरक मिला बस हसन मुस्तफा ने कासम को बुलाया, आस्तीने उलटना शुरू की, गिरेबान को चाक किया, सर में मट्टी डाली और फरमाया मेरी बहन के हुजरे पे चला जा, इबादत गुजार है, दरवाजे पे बैठे रहना, तहज्जुद की नमाज के लिए उठेगी, तुझे देखकर खुद समझ जाएगी कि वो उजड़ गई है। सिवाय कि मैं हुसैन के किसी गांव में ना रहूं, बस जैसे कासिम को देखा आलिया ने तड़प के कह दिया, बास ओ बास ज़ैनब उजड़ गई है, मेरे हसन को कुछ हो गया है। बस बीबी जैसे आई, अब जो भाई की हालत देखी सजदे में सर है, या पूछा हुसैन कहाँ है, हुसैन का आना था, या 3.5 साल के कासिम का हाथ हुसैन के हाथ में दिया। अजरक मन अल्लाह दाएं बाएं देखा हसन ने, पूछा मेरा अब्बास कहाँ है, आवाज आई दरवाजे पे खड़ा है, हसन कहते अब्बास बाहर क्यों खड़ा है, और रो के कहता मौला कैसे अंदर आऊं, तेरी बहनों के सरों से चादरें हटी हुई है। अजरक मन अल्लाह बस तैयार हो गया जनाजा हसन का, उधर मुसलमानों ने तय कर लिया कि नाने के पहलू में हसन का तब जैसे मातम आता है यार, आज की रात सोच के ना रो रहा, उन्होंने जैसे हसन का जनाजा आए हमने मोहम्मद के पहलू में दफन नहीं होने देना। 18 हाशमी हसन का जनाजा लेकर चले, या किसी ने रुमाल का इशारा किया, 72 तीर हसन के जनाजे में लगे, अब्बास ने घर की तरफ दौड़ना शुरू किया, या बीबी ज़ैनब के सामने से अब्बास बड़ी जल्दी से गुजरे, बीबी रो के कहती है माफी अल्लाह खैर करे, कभी मेरा गाजी ऐसे गुजरा तो न